अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में रहें, खुश रहें। और आज मैं आप लोगों के लिए अरेबिक राइस की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और देखने में भी बहुत ही एक्सीलेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हमें शिमला चाहिए होगी, प्याज चाहिए होगा 1 टीस्पून, चॉप्ड लहसुन चाहिए होगा और 10 से 11 चिकन के पीसेस चाहिए होंगे। नमक चाहिए होगा 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। तो ये हमारे स्पाइसेस हो गए। तो अब मैंने एक पतीली ली है और इसके बीच में 1/2 कप ऑयल का डाला है और ये चॉप्ड अनियन जो थे वो इसमें मैं डाल के सॉफ्ट करूँगी। इसको कोई हमने गोल्डन ब्राउन वगैरह नहीं करना, सिर्फ हमने इसको सॉफ्ट करना है। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पर हम ये सारा काम करेंगे। तो अरेबिक राइस बनाने का ये हमारा स्टेप 1 है। तो प्याज जो हैं वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं इसके बीच में चिकन ऐड करूँगी और इसको हमने भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आप ये अरेबिक राइस की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखें, चिकन का कलर चेंज हो चुका है और मैंने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन भी डाल दिया था, तो ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब बारी आती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। नमक जा रहा है 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे हम। सूखा धनिया पाउडर जा रहा है इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। तो बस इसमें ये थोड़े से स्पाइसेस जाने थे तो इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें शिमला ऐड करेंगे। मैंने एक छोटी साइज़ की शिमला ली है, आपके पास बड़ी है तो आप उसको आधा कर लें और इस तरह से आपने इसको काट के इसमें डाल के मिक्स करना है। और अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो पानी हम मैयर करके डालेंगे। चावल जो है वो मैंने 2 ग्लास लिए थे तो पानी मैं उसे 1 ग्लास ज़्यादा लूँगी, यानी कि 2 ग्लास चावल और पानी 3 ग्लास। तो पानी इसमें जा चुका है, अब हम इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए। तो ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा चिकन है वो अच्छा सा गल चुका है। 20 से 25 मिनट लगेंगे तो ये आपका जो चिकन है वो गल जाएगा। और ये देखें, ये आराम से टूट रहा है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और साइड पे रख दूँगी। चावल जो हैं वो मैंने 1/2 घंटे पहले भगो के रखे हुए थे और अब ये जो चावल हैं ये मैं इसके बीच में डालूँगी और इनकी क्वान्टिटी 2 ग्लास है। 2 ग्लास चावल भगो के रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ और हाई फ्लेम मैंने कर देनी है। अब हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। तो जी चावल जो हैं वो हमारे फाइनल लुक पे जाने वाले हैं। अभी इनमें थोड़ा सा बस पानी रह गया तो मैं इनको दोबारा से ढक रही हूँ ताकि जो पानी रह गया ये इसमें डिज़ोल्व हो जाए और चावल जो हैं वो अच्छे से हमारे फूल जाएं। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब हमें चाहिए होंगे टमाटर, बैंगन, आलू और शिमला मिर्च। तो इन चारों चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कि इसका हम क्या करेंगे। तो मैंने एक पैन ले लिया है और उसके बीच में मैंने हसबे ज़रूरत ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं बैंगन डाल के फ्राई कर रही हूँ तब तक कि ये गल जाएँ। इसके गलने तक हमने इसको फ्राई करना है और बैंगन की शेप आपने गोल ही रखनी है। तो ये देखें, बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं तो मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। और अब उसी ऑयल में मैं आलूओं को फ्राई करूँगी और ये आलू की शेप भी आप देख लें, मैंने राउंड रखी हुई है, आप भी राउंड ही रखिएगा। और इसके पकने तक मैंने इसको फ्राई करना है। ये आलू भी हमारे पक चुके हैं और इनका कलर बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर का हो चुका है तो मैं इनको भी डिश आउट कर रही हूँ। और इसी ऑयल में अब मैं शिमला डालूँगी और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। शिमला की आप शेप देख लें, मैंने लंबाई में रखी है, आप भी लंबाई में ही रखिएगा। तो ये मैंने इसको सॉफ्ट नहीं किया, बस मैंने इसको डाला है और मैंने इस तरह से बस निकाल लिया। तो जो टमाटर हैं वो भी हम इसी तरह से ही करेंगे, ये बस डाले हैं और मैंने इनको निकाल लिया है। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये नरम हो जाएंगे, ये बस आपने डालने हैं और निकालने हैं। तो जो चावल हैं वो हमारे पक चुके हैं और ये बहुत ही खिले खिले और बिखरे बिखरे हैं, ये आप देख लें सारे अलग अलग हुए हुए हैं। तो मैंने इनके 2 पार्ट्स कर लिए हैं, एक पार्ट जो है इसके बीच में मैं ये टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ
इसको मैंने डाला है और मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है उसके बीच में मैं हल्दी डाल रही हूँ और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारे टू पार्ट्स जो हैं चावलों के वो तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, आप इस तरह का बाउल लीजिएगा जिसमें से आपके जो सारी डिज़ाइनिंग है वो नज़र आए। तो सबसे पहले मैंने बैंगन डाले हैं इसके ऊपर इस तरह से, और अब मैं इसके साथ शिमला मिर्च रख रही हूँ। तो इस तरह से ये मैंने सारी इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अब इसके ऊपर जाएंगे आलू, टमाटर इसकी तरह से मैं फैला के रख दूँगी और टमाटरों के बाद मैं इसके ऊपर आलू फैलाऊँगी। तो मैं इस तरह से प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, आप ही इसी तरह से कर सकते हैं या जैसे आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप वैसे कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब इसके ऊपर हम रखेंगे चिकन, चिकन जो है सारा इसके ऊपर हम फैला देंगे। तो अब हम इसके ऊपर चावल डालेंगे, चावलों की लेयर लगाएंगे। तो जब सबसे पहले वाली लेयर है वो मैं टोमेटो प्यूरी वाली डाल रही हूँ, जो हमने चावलों में टोमेटो प्यूरी मिक्स की थी ये वो वाली लेयर इसके ऊपर लग रही है। और अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे जो हमने हल्दी मिक्स की थी, ये वो वाली लेयर इसके ऊपर लग रही है। पूरी हमने इस तरह से लगा देनी। तो ये देखिए डेकोरेशन हो चुकी है और अब हमने इसको माइक्रोवेव में रखना है और इसको हमने स्टीम देनी है। तो जी 5 मिनट स्टीम दी थी और उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक तैयार है। और अब ये देखें हमने इसको निकालना कैसे है, आपने स्पून के साथ इस तरह से इसकी साइडों के ऊपर हल्का हल्का सा करना है ताकि जो इसके साइडों पे हैं ये सारा आराम से उतर जाए। और ये देखें ये है इसकी फ़ाइनल लुक, हमारे अरेबिक राइस बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हमारे अरेबिक राइस रेडी हो चुके हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपने लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए बताना कि आपको ये कैसी लगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की डिलीशियस रेसिपीज सबसे पहले आपके पास पहुँचें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, क्योंकि मैं ये सारी स्ट्रगल आपके लिए करती हूँ ताकि मैं अपना नॉलेज आगे तक पहुँचा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।